भाई आधे घंटा से खड़ा है, जब आते जब हमको वेट करने पड़ता है। एक सात रंग का वो एक सत्तू होता था। लिट्टी चोखा जो है बिहार के मूल में है। देश के प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा खाया, यह तो मैंने बिहार का ये पारंपरिक भोजन है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कल लिट्टी और चोखे की बात पे जिस तरह की सियासत गर्म हुई है बिहार में, उस पर इनकी क्या राय है। देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूँ, जहाँ अभी आपने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक सवाल था सर आपसे कि जिस तरह से कल दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिट्टी चोखा खाया था हुनर मेले में जाकर, उसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। हमारे तेज प्रताप यादव जी का स्टेटमेंट आता है कि वो कितना भी लिट्टी चोखा खाएं, मैंने बिहार के लोग उनके धोखे को नहीं भूलेंगे। उसी तरह हमारे इसी क्रम में मांझी जी का भी स्टेटमेंट आता है कि प्रधानमंत्री जी को ठीक चुनाव से पहले ही उस राज्य की याद आती है जहाँ चुनाव होता है। सर आप बताएं क्या है? प्रकाश डाले सब। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी हुनर हाट में गए और वहाँ ने बड़ा ही सहज तरीके से खटिया पर बैठे और बिहार का जो व्यंजन है, प्रमुख व्यंजन लिट्टी चोखा, उसको उन्होंने खुद बैठ कर करके खाया और कुल्हड़ का चाय भी उन्होंने पिया और अपने पॉकेट से निकाल कर पैसे भी दिए। अब उनका इस सहजता और सरलता अब लोगों को भा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी तो हैं लोगों से घुलने मिलने वाले व्यक्ति, जब कहीं किसी राज्य में जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ की जो प्रमुख भाषा होती है उस भाषा में उन वहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनको नमस्ते प्रणाम हर प्रकार का जो है से बात वो बोलते हैं। अब यहाँ के लोगों को तकलीफ हो रहा है तेजस्वी यादव को, इसलिए कि प्रधानमंत्री के प्रति बिहार के लोगों का विशेष लगाव और जुड़ाव है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था 2014 के चुनाव से पहले कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार पर विशेष हमारी नजर होगी और उन्होंने नजर देने का काम किया। ऐसा क्यों सर, इस तरह का बिहार प्रधानमंत्री के तो बहुत सारे राज्य हैं, बिहार में क्या कुछ खास? बिहार से विशेष लगाव जुड़ाव है। बिहार पिछड़ा राज्य है, वो लगातार कहते रहते हैं कि जब तक देश का विकास, पूर्वांचल का विकास नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है, और हमारा बिहार भी उसी पूर्वांचल के जिम्मे आता है और उस पूर्वांचल में सबसे पिछड़ा राज्य है। उन पूर्वांचलों के विकास के प्रति जो है सतत प्रयत्नशील रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और आपने देखा होगा कि उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपये का पैकेज बिहार को देने का काम किया था। आज ये लोग जितनी बोल रहे हैं, अगर बिहार का विकास का एक नया आयाम और नया रास्ता अगर खुला है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में देखिए, आज काम हो रहे हैं, कई सारे जो ऐसे एम्स से लेकर करके और उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम चीज़ें, या सड़कों का, पुल पुलिया का, बड़े बड़े गंगा पर सेतु बनाने का, ऐसे तमाम काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके देख रेख में और उनके कारण यहाँ हो रहा है। सर एक बात और है कि 23 तारीख को माननीय तेजस्वी यादव के द्वारा एक भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ निकाली जा रही है, 23 तारीख को शायद, ठीक है ना सर? और जहां तक इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस रथ को निकाला जा रहा है, जिस बस पे, उस बस के मालिक का नाम है रामपाल, और रामपाल जो है बीपीएल सूची में उसका नाम आ रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिस बस से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है वो बसी खुद भ्रष्टाचार के शिकार हो गई, इसके बारे में? अब देखिए, 23 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और तेजस्वी यादव ने अब भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, अब वो तो उनसे पूछने के, उनसे दोनों सवाल जनता उनसे जानना चाहती है कि आप अगर बेरोजगारों की बात करते हैं तो आपके पास कौन सा इल्म है, कौन सा जो है से आपने ईजाद किया है कि आप 9वीं फेल और 27 वर्ष की उम्र में 54 संपत्तियों के मालिक आप कैसे हुए, करोड़ों करोड़ संपत्ति आपके जिम्मे कहां से और कैसे आए, ये इल्म और बिहार के आम लोगों को भी बताइए, बिहार के नौजवानों को, बिहार के युवाओं को आप दीजिए, ताकि आपके जैसा वह भी संपत्तियों के मालिक हो सके, वो भी धनवान बन सके। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको याद करना चाहिए
कि जब 90 से लेकर के 2005 तक उनके माता और पिता का शासन था तो केवल भ्रष्टाचार। उस समय बिहार का जो बजट होता था योजना आकार 4,000 करोड़ रुपये का होता था और पूरा का पूरा राशि पैसा केवल कागजों पर खर्च होता था, जमीन पर कहीं नजर नहीं आता था। लोग जानते हैं कि चारा घोटाला पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है जिसमें लालू यादव आज भी जेल के अंदर में है। ऐसे तमाम विभाग थे जहां केवल घोटाले ही घोटाले होते थे, कई मंत्री उनके जेल गए। इलियास हुसैन अलकतरा घोटाला में, डिग्री घोटाला में, मेघा घोटाला में, जयप्रकाश यादव जेल गए, ऐसे तमाम लोग। कोई ऐसा विभाग नहीं था जहां घोटाले नहीं होता था। जंगल का घोटाला, जमीन का घोटाला, धोती साड़ी का घोटाला, ऐसे तमाम जो है से मेघा का घोटाला, डिग्री का घोटाला, केवल घोटाले होते थे। और वह व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार पर जो है से बोल रहा है। भ्रष्टाचार के हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है प्रमाण के साथ। एकाध दो मामले आए भी हैं तो उसको सरकार ने ही उजागर करने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है सर, कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा इस बार और हमारे माननीय मनोज तिवारी जी ने जो वहाँ बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि वो अपने ट्वीट को संभाल कर रखेंगे, बीजेपी वहाँ पूर्ण बहुमत से आ रही है, 48 सीटों से लेकर आ रही है, लेकिन वहाँ चुनाव के परिणाम कुछ अलग निकले, आपको 62 सीट मिले और बीजेपी को 8। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव के परिणाम दिल्ली में, उसका कितना असर बिहार के विधानसभा चुनाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो पार्टियां चुनाव लड़ती है सभी अपने अपने दावे करती है और सब चाहती है कि हम जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी अराइवल पार्टी थी, कोई कमजोर पार्टी नहीं थी। हमारी केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में 17-18 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। तो हम कैसे कह दें कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हमारी पार्टी तो पिछली बार 3 सीटों पर सिमट गई थी और हमने 8 सीटों पर जीत हासिल किया है। हमने पिछले बार 32% मत लाए थे, हमने इस बार बढ़ा कर करके 38.5% वहाँ मत लाने का काम किए। बाकी पार्टियाँ वहाँ लूजर रही है, हमारी पार्टी केवल गेनर रही है। कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण पुरानी और बड़ी पार्टी जो केजरीवाल से पहले 15 साल दिल्ली के अंदर में सत्ता में रही और जो कहती है कि दिल्ली का विकास कांग्रेस के कारण हुआ है, हमने मेट्रो चलवाए हैं, हमने ओवर ब्रिज बनवाए हैं, और उसका हश्र हो गया कि 10% से घट कर करके 4.5% पर आ गया। तो सारी पार्टियों का जो ऐसे मत कमा सीटें भले केजरीवाल। बिहार में कितना असर होगा? कोई असर बिहार में नहीं होगा। बिहार में लोग विकास से जुड़े हुए हैं और विकास प्रमुख होगा। लोगों ने देखा है इस सरकार का विकास और विकास से कोई जो है से इतर नहीं होना चाहेगा, कोई अलग नहीं होना चाहेगा। हमारे जो है से ठोके बजाए नेतृत्व हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और पूरी बहुमत के साथ जितनी सफलता 2010 में प्राप्त हुई थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें हम इस बार लाएं। नमस्कार, मैं सज गुप्ता नेशन भारत में आपका स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हुनर मेले में जाकर लिट्टी चोखा खाया, उसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। इसी क्रम में हमारे तेज प्रताप यादव जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिट्टी चोखे के खाने के बाद भी बिहार के लोग उनके धोखे को नहीं भूलेंगे। उसी क्रम में हमारे माजी जी ने भी कहा है कि ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी को उस राज्य की याद आती है। उसी क्रम में मैं अभी यहाँ आ चुका हूँ राजद के प्रदेश कार्यालय में। यहाँ बात करेंगे कार्यालय में किसी ऑथेंटिक पर्सन से, हमारे साथ जुड़ेंगे और पूछेंगे उनका क्या कहना है इस मामले में। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं इस वक्त अभी राजद कार्यालय में हूँ जहाँ हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर हसन जी जुड़ चुके हैं, जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी के लिट्टी चोखा खाने में बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं, वहीं पर तेज प्रताप जी ने भी कहा है कि कितने भी वो लिट्टी चोखा खाए लेकिन बिहारी लोग उनके धोखे को नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। और हम इसी बात पर हमारे माझी जी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को चुनाव से ठीक पहले उस राज्य की याद आती है। चलिए सर बताइए सर, क्या इस ठीक चुनाव से पहले इस वक्त में लिट्टी चोखा खा रहा है, क्या सेंटिमेंट से कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सांकेतिक काम करते हैं, जिन राज्यों में चुनाव आहूत होने वाला होता है उसके विशेष पहचान को वो अपने ऊपर दिखाते हैं, इसलिए उनकी
नियत साफ नहीं है लिट्टी चोखा खाने में, क्योंकि उनके भोजन का मीनू बहुत बड़ा है। वो जो खाते हैं कम से कम 25 किस्म का आइटम उनके भोजन में रहता है। वो कपड़ा पहनते हैं 10 लाख का सूट पहनते हैं, हर 3 घंटे पर वो ड्रेस बदलते हैं। इससे उनकी लिट्टी चोखा खाने से उनकी सादगी का कोई पहचान नहीं है, ये धोखा का पहचान है जो राज को देना चाहते हैं। लुभार है, धोखा देना चाहते हैं। उन्होंने राज को धोखा दिया कि हम राज को विशेष पैकेज देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा विशेष पैकेज का उन्होंने नहीं दिया। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। उन्होंने धोखा दिया कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे युवाओं को, उन्होंने नौकरी दी नहीं बल्कि नौकरी ले ली। 4 करोड़ नौजवान इस 6 साल में बेकार किए गए हैं, और उन्होंने सरकारी उपक्रमों को बेचना शुरू कर दिया है। ये सब तो धोखा है। तो ये प्रधानमंत्री धोखा देने में बहुत मास्टर हैं, और लिट्टी चोखा भी एक धोखा है। इसलिए ये लिट्टी चोखा नहीं है, ये बिहार को धोखा है। देख सकते हैं कि मैं अभी प्रदेश कार्यालय राजद प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने लिट्टी चोखे की दुकान पे हूँ, और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा खाया हुनर मेले में जाके, उसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। सियासत में बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं इस लिट्टी चोखे पर। तो अभी हमारे साथ देखिए, हम बहुत सारे लोग लिट्टी चोखा खा भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं लिट्टी चोखे की। जहाँ तक कल से आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिट्टी चोखा खाने के बाद से ही बिहार की सियासत या राजनीति गर्म हो चुकी है, तो आपको उसी लिट्टी चोखे के बारे में बताते हैं जो बिहार में जो लिट्टी चोखा कैसे बनता है, आइए बात करते। चलिए भैया बताइए, आप ये लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी, लिट्टी की तैयारी हो रही है, तो बताइए कैसे कैसे तैयार करते हैं, बताइए यहाँ लोगों को। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लिट्टी चोखा खाया है, तो बताइए लिट्टी कैसे बना रहे हैं, बताइए इसके बारे में। कितना आदमी के लिए? 50 आदमी के लिए। कम से कम 5 किलो आटा। आटा उसमें क्या क्या, सत्तू कितना आएगा? सत्तू आ जाएगा 2 किलो। 2 किलो तो बताइए। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिट्टी, जिस लिट्टी पे इतनी सियासत गर्म है, वो लिट्टी कैसे बनाई जा रही है। और पटना में प्योर जो घुमा, इधर दिखाइए, यहाँ देखिए कि ये लिट्टी के लिए जो ये दिखाइए, ये देखिए लिट्टी जो है, इस लिट्टी को गढ़ा गया, इसके अंदर सत्तू भरी गई है। और यहाँ पे पटना में भी, बिहार के पटना यानी राजधानी में भी गाँव की तरह यहाँ लिट्टी चोखा लिट्टी बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो वो जिस तरह से गोठे पे हम बनाते हैं अपने गाँव में, वहाँ तो इस तरीके का, यहाँ पे वो थोड़ा चेंज है। यहाँ पे आप देखिए पीछे, इन्होंने पहले गोठे को जलाया है, इसे पूरे कढ़ाई में देखिए गोठे को जलाया है, देख सकते हैं गोठे को जलाया, इसके बाद इस पर ये इसके अंदर वो लिट्टी पकाएंगे। देखिए लिट्टी कैसे डाल रहे हैं। तो जिस लिट्टी को कल प्रधानमंत्री ने खाया, जिस लिट्टी चोखे के बाद इतनी सियासत गर्म, आज मैं उसी लिट्टी चोखे के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है, क्या, क्योंकि कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी तैयारी की जाती है। तो देखिए यहाँ पहले आटे को गढ़ा गया, उसके बाद लिट्टी की वही विधि जो हमारे गाँव में होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी लिट्टी बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा अंतर है, वहाँ गाँव में नीचे धरती के ऊपर, यानी कि धरती पर ये गोठे को हम जला के करते, लेकिन यहाँ पे देख कढ़ाई में हो रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कढ़ाई में क्यों, नीचे नहीं होता, क्या हुआ? नीचे बढ़िया से पक नहीं पाता है। नहीं तो गांव में तो लोग पका लेते हैं जैसे नीचे में, इसमें आग ही बना रहता है ना। अच्छा वो इससे बढ़िया से होगा। हाँ। तो क्या इसी विधि में गांव में भी कर सकते हैं? हाँ। तो लेकिन गोठा तो पूरा जल जाएगा भैया, तो कैसे पकेगा इसके अंदर? पकेगा ऐसे देख रहे हैं, पकेगा इसी गर्मी से। तो हमारे यहाँ तो अच्छा था, देख सकते हैं कि ये जो इनका कहना है कि गांव में जो हम लोग धरती पे जो लिट्टी बनाते हैं उसमें थोड़े लिट्टी ठीक से नहीं पकते, लेकिन यहाँ पे एक कढ़ाई में स्टीम बनाया गया और यहाँ गोठे को पहले जलाया जाता है, उसके बाद उसी गोठे की गर्मी में लिट्टी पकती है। थोड़ा यहाँ 1 मिनट बात करते हैं, आइए इधर से आइए। बताइए बाबा, ये लिट्टी का कब से आपकी दुकान यहाँ पे, कितने साल? यहाँ तो 3 साल से है। इसके पहले लिट्टी आपका क्या पेशा क्या था? यहाँ हम लिट्टी बनाते थे लखनऊ में। लखनऊ में? लखनऊ में। तो कितना लिट्टी का कितना डिमांड है, क्या हुआ भैया, क्या हुआ बताइए, देखो तो लिट्टी नहीं मिल रहा है, बताइए आधे घंटा से खड़ा है, जब आते जब हमको वेट करने पड़ता है। तो बताइए भैया एक चीज बताइए कि यहाँ जैसे जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खाए थे, उसके बाद आप लिट्टी खा रहे हैं, हमेशा खाते हैं लिट्टी? हम तो हमेशा जब से ओपनिंग हुआ तब से खाते आ रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ठीक चुनाव से पहले हुनर मेले जाकर लिट्टी चोखा खाया, यानी कि वो बिहार के लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, यानी कि उस जो होता ना क्या सेंटिमेंट, कि उस सेंटिमेंट को कैश करना चाहते हैं कि लोग लिट्टी चोखा खाएंगे तो बिहार का चुनाव आने वाला है, इसके बारे में? उनसे कोई उनका फर्क नहीं पड़ने वाला है, लालू जी को चुनाव मिलेगा इस बार का वोट।
अच्छा, तो लिट्टी चोखा का क्या क्या मैंने प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा क्या दिखाना चाहते हैं ये बताइए। जिस तरह से वो तो नहीं, आपके तेज प्रताप जी ने कहा है कि वो कितना भी लिट्टी चोखा खाएंगे लेकिन बिहार के लोग उनके धोखे को नहीं भूलेंगे, इसमें क्या कहेंगे आप? तो ये तो हमको नहीं पता सर, आप बताइए। बिहार ऐसा जगह है जहाँ एक सात रंग का वो एक सत्तू होता था जी, वो सात अनाज को मिलाकर के सत्तू बनता था, वो चंपारण और सारण ये प्रसिद्ध था, उसी का सारण और चंपारण के लोग उनको मॉडल युग में सासाराम कैमूर भभुआ ये जोन है वहाँ तमाम लोग लिट्टी प्रसिद्ध हुआ। आज दबे कुचले कमजोर तबके के लोग हैं वो लिट्टी में नमक और मिठाई ये तमाम चीज़ों मिलाकर लिट्टी बनता है, जिससे वो दिन भर में मेहनत भी करेगा और पानी पीते रहेगा, बॉडी तंदुरुस्त रहता है, इसीलिए बिहार में लिट्टी चोखा प्रमुख है। अगर तो प्रधानमंत्री साहब बिहार को देखा देखी वो लिट्टी खाना चाहते हैं तो यानी तो वहाँ के सर जमीन को विश्वास में लेना चाहते हैं कि मैं यहाँ का समाज के बीच मैं हूँ। लिट्टी चोखा जो है बिहार के मूल में है और यहाँ का मुख्य भोजन है, यहाँ के गरीबों का भोजन है, उसको खा करके अगर प्रधानमंत्री ने दिखलाया है तो ये स्पष्ट संदेश गया है कि बिहार में जो है लिट्टी चोखा जो खाया जाता है वो काफ़ी जो है मशहूर है लोगों में। तो कितना ये खाने की बात हो रही है या सही में यहाँ बिहारी लोग के साथ ये लिट्टी चोखा खाकर ये बना जाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ आपके चुनाव में या मैंने क्या मैंने ऐसा कुछ? हाँ बिहार के लोगों के साथ हैं वो, हाँ मैंने लिट्टी चोखा खाने से बिहार के साथ हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ है, साथ है। हाँ तो यानी आपको लगता है कि अगर कोई भी स्थानीय नेता हो या कोई राष्ट्रीय नेता हो लिट्टी चोखा सिर्फ खाने के कारण क्या आपको लगता है कि बिहार के लोग साथ ऐसा कुछ क्या? हाँ हाँ एकदम एकदम आपको लग रहा है? एकदम लगता है। तो फिर तेज प्रताप जी ने बयान दिया उसके ऊपर क्या कहेंगे कि वो धोखा है लिट्टी चोखा क्या? ये तेज प्रताप जी अपना सोच होगा। देश के प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा खाया यह तो मैंने बिहार का ये पारंपरिक भोजन है, लेकिन प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा का ख्याल कहाँ रखा? जिस गरीब के नाम पर देश की कुर्सी पर बैठे माननीय नरेंद्र मोदी, जब कुर्सी पर बैठने के बाद गरीबों को भूल गए और गरीबों को भूलकर बेफिजूल मुद्दा पर देश में काम करने लगे और गरीबी कहाँ गई? 15-15 लाख रुपया खाता में डलवाने की जो बात कहे थे नहीं, नहीं, वो तो सब पता, लेकिन सर यहाँ पे मुझे एक सबसे अब एक सवाल का सिर्फ जवाब चाहिए कि कल उन्होंने लिट्टी चोखा कहा, ठीक है, ठीक चुनाव से पहले हमारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वो क्या उनका उस पर आप मुझे चाहिए कि क्या रही मैंने क्या रहा आपकी लिट्टी चोखा खाने का जो सही में धोखा है उनका मकसद क्या है हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जिस हैसियत से उनको देश के लोगों ने गरीबों ने प्रधानमंत्री बनाया उसको उन्होंने भूल गया और लिट्टी चोखा खाने का बहाना कर लोगों को मोहित कर रहे हैं। यह जो है देश के जनता के साथ गरीबों के साथ छलवा। चल चल चल, देखिए इन्होंने कहा है कि लिट्टी चोखा खाना एक छलावा है, लोगों के जनता से वो छल कर रहे हैं। चलिए इस क्रम में और भी लोगों से बात करेंगे। भैया नमस्कार। भैया बिल्कुल नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, सियासत होने की कोई जरूरत ही नहीं इसमें, है ना। उन्हें भूख लगी थी उन्होंने लिट्टी चोखा खाया। अगर प्रधानमंत्री चाय पी लेते हैं तो उस पर भी अगर लिट्टी चोखा खा लिए तो ये विरोधियों का दिक्कत है ना, उनका दिक्कत कहाँ है? ये विरोधियों का दिक्कत है, वो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। सर एक बात बताइए, ठीक जो है मैं बता रहा हूँ, अब हमसे ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हाँ इसमें उनका कुछ मंशा है? नहीं नहीं नहीं, मंशा नहीं, मंशा नहीं, मैं बता रहा हूँ राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव होने वाले, ठीक बिल्कुल, ठीक उससे पहले हुनर मेले में जाना और ठीक बिहार के टिपिकल हुनर मेला था वो, हुनर में, हाँ उसमें जाकर लिट्टी चोखा खाना और लोगों का स्टेट में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक छल है बिहार के लोगों के लिए, एक मोहित करने का तरीका है कि जिस स्टेट में चुनाव होते हैं उस स्टेट का टिपिकल कुछ भी चीज़ों को लेकर इंसान या कोई पॉलिटिकल लीडर बढ़ते हैं उसके सभी करते हैं सभी पूरी करते। सारी पार्टियां करती मान रही अगर हाँ। ऐसा रहता है तो वो पिछले 5 साल जो चुनाव हारे हैं 5-7 राज्य हारे हैं तो उसमें भी कोई ये हो सकता है ये लिट्टी चोखा खा के भी हार जाए कोई बड़ी बात नहीं है या जीत भी जाए इससे लिट्टी चोखा का कोई रिलेशन नहीं। चलिए तो मैं सचिन गुप्ता आपसे जुड़ा रहूँगा नेशन भारत में, हमारे चैनल को देख नेशन भारत देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।